नमस्कार दोस्तों, एडवांस जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हमारा रिवर्स ऑफ राजस्थान चल रहा था। रिवर्स ऑफ राजस्थान में हम पढ़ रहे थे बंगाल की खाड़ी अपतंत्र की जो नदियां थीं उनको। सबसे पहले हमने बनास नदी को पूरा करा, जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है। उसके बाद में चंबल नदी को पूरा करा और चंबल नदी की सहायक नदियों को पूरा करा। दो या तीन नदियाँ और हैं जो बंगाल की खाड़ी अपतंत्र की नदियाँ हैं, उनको आज इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और इन तीन वीडियो में, रिवर्स ऑफ राजस्थान के शुरुआती तीन वीडियो में, बंगाल की खाड़ी अपतंत्र की जो नदियां हैं वह ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद में अरब सागर के अपतंत्र की नदियों को हम पढ़ेंगे। जो बंगाल की खाड़ी अपतंत्र की जो मुख्य नदियां थी, उनमें तीन नदियां बची हुई है, बाणगंगा, गंभीर नदी और पार्वती नदी। तो आइए देखते हैं बाणगंगा नदी को, बाणगंगा नदी के बारे में, कितनी लंबी है, कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ जाके विलीन होती है। और बाणगंगा नदी के बारे में जो विवाद है कि इसे आंतरिक प्रवाह की नदी मानी जाए या फिर बंगाल की खाड़ी की अपतंत्र की नदी मानी जाए, इसको भी देखेंगे आज। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है। देखिए, जो अपन को पढ़नी है वह है बाणगंगा। देखिए बच्चों, जयपुर में, राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर, जयपुर में एक तहसील पड़ती है विराटनगर। ये जो तहसील है जयपुर की, इसका नाम है विराटनगर। विराटनगर पड़ती है जयपुर, लिख देता हूं मैं। देखिए बच्चों, इस विराट नगर का ही नाम जो महाभारत काल में मिलता है वह है बैराट। इससे एक प्रसंग जुड़ा हुआ है, वह यह है कि महाभारत में जब पांचों पांडवों को वनवास और वह अज्ञातवास की सज़ा सुनाई गई थी, तो उन्होंने 12 वर्ष का वनवास पूरा करके, जो एक वर्ष का अज्ञातवास है, वनवास को इंग्लिश में कहते हैं फॉरेस्ट एग्जाइल और अज्ञातवास को कहते हैं सीक्रेट एग्जाइल। जो एक वर्ष का वनवास है वो क्या सॉरी एक वर्ष का अज्ञातवास है वह बैराट में या विराट नगर में राजा विराट के यहाँ पूरा किया था, राजा विराट के यहाँ। उसी वक्त महाभारत काल में ही, जब जलापूर्ति के लिए जल न होने की अवस्था में अर्जुन, जो पांडवों में थे, अर्जुन ने अपने तीर से धरती को चीर कर, गंगा को धरती पर अवतरित किया गया। अर्जुन के बाण से निकलने के लिए यह नदी बाणगंगा कहलाई। आइए और देखते हैं, इसी बाणगंगा नदी के किनारे एक वृक्ष था, शमी वृक्ष। उस वृक्ष के ऊपर अर्जुन, या फिर यूं कहें पांचों पांडवों ने अपने जो अस्त्र शस्त्र है वह छुपाए थे। तो इसका महाभारत काल से विद्यमान है ये नदी। अर्जुन के बाण से निकली गई, तो इसके उपनामों में इसे अर्जुन की गंगा कहा गया, अर्जुन की और जो इसके अलावा जो उपनाम है वह है ताला नदी। और एक है रुंडित नदी। देखिए बच्चों, रुंडित नदी क्यों कहा गया बाणगंगा को, यह आगे देखेंगे कि जहाँ ये विलीन होती है वहाँ इसका क्या महत्व रह जाता है। ये यमुना नदी में मिलती है वास्तव में, या फिर आंतरिक अपवाह की रह जाती है, इसे देखेंगे। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये है विराटनगर जो कि जयपुर में पड़ता है। महाभारत काल में इसे बैराट कहा जाता था।
यहीं पे विराट नगर में ही बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। कहाँ से इसका उद्गम होता है? बैराट की पहाड़ी, बैराट की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है दक्षिण की ओर बहने के बाद। जयपुर में ही इसमें एक सभ्यता, जयपुर में ही इस पे इस नदी के किनारे एक सभ्यता विकसित हुई जिसका नाम है बैराट की सभ्यता। सभ्यताओं को अपन अलग से एक क्लास में लेंगे जिसमें सारी सभ्यता कवर होगी। आइए देखते हैं कौन सी सभ्यता थी बैराट की सभ्यता। थोड़ा सा और आगे चलते हैं नदी की ओर तो जयपुर में ही इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। जयपुर में इस नदी पर एक बांध बना हुआ है और उस बांध का जो नाम है वह है जमवा रामगढ़। इस बांध का नाम है जमवा रामगढ़ बांध। देखिए बच्चों, इस जमवा रामगढ़ बांध ने जयपुर को लगभग 75 साल तक जलापूर्ति की है। लगभग 75 साल तक इस जमवा रामगढ़ बांध ने जयपुर के लिए जलापूर्ति दी है। और जमवा रामगढ़ बांध बना हुआ है रामगढ़ तहसील में, या यूं कहें जमवा रामगढ़ तहसील में। यहीं पे जमवा रामगढ़ तहसील में ही एक मंदिर है। और ये जो मंदिर है वह है कछुआ वंश की कुलदेवी जमवाय माता का। ये जो जमवाय माता मंदिर, कछुआ वंश की जो कुलदेवी है जमवाय माता, उनका यहाँ मंदिर अवस्थित है। मैं लिख देता हूँ कछुआ वंश की कछुआ वंश की कुलदेवी। वापस से लौटते हैं अपने टॉपिक पर। बैराट की पहाड़ियों से उद्गम होता है बाणगंगा का। उसी पे ही जयपुर में बैराट की सभ्यता विकसित हुई। थोड़ा सा और आगे चलने की एक बांध बना हुआ है इस नदी पे, इसका नाम है जमवा रामगढ़ बांध। जमवा रामगढ़ बांध जमवा रामगढ़ तहसील में बना हुआ है। और इसी तहसील में जमवा रामगढ़ के थोड़ा सा ही नज़दीक में कछुआ वंश की जो कुलदेवी है जमवाय माता, उनका मंदिर है। आइए रामगढ़ बांध को देखते हैं। 1897 को इसका कार्य प्रारंभ किया गया और 1907 में कार्य पूर्ण हुआ। किसने बनवाया? कछुआ शासक सवाई माधव सिंह सेकंड। और जो मंदिर बनवाया था वह कछुआ वंश के पूर्वजों ने बनवाया था। जमवा रामगढ़ बांध से आगे की ओर निकलते हैं तो ये नदी थोड़ी सी उत्तर दिशा में बहती है और दौसा इसे एक बार रफ कर देता हूँ। दौसा और उसके बाद में महुआ एक जगह है दौसा में। दौसा महुआ होती हुई वैर तहसील से, कौन सी तहसील है? वैर तहसील
भरतपुर। वैर तहसील जो है भरतपुर की, उससे इस वैर तहसील से भरतपुर में एंटर करती है। भरतपुर में जो एंट्री होती है बाणगंगा नदी की, वो वैर तहसील से होती है। भरतपुर में ही इस नदी पर एक और बांध बना हुआ है, और उस बांध का जो नाम है वह है अजान बांध। अजान बांध, इस अजान बांध को बनवाया था जाट शासक या जाट राजा सूरजमल जी ने। राजा सूरजमल ने इस बांध का निर्माण करवाया था, और इसी बांध से जो केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य है, केवलादेव अभयारण्य को जलापूर्ति की जाती है। इसी बांध से केवलादेव राष्ट्रीय अभयारण्य को जलापूर्ति की जाती है। बांध से निकलने के बाद में यह नदी यूपी में प्रवेश करती है, और यूपी में प्रवेश करने के बाद में जो ऊपर से यमुना नदी आ रही है, इस यमुना नदी में आगरा के पास फतेहाबाद में यूपी में यमुना में मिल जाती है। ये जो नदी है यह है यमुना। अब देखिए बच्चों, जो विचार योग्य विषय है वह यह है कि इस नदी को अब आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी में शामिल किया जाए या बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदी में शामिल किया जाए। आज की बात करूं तो ये एक तरह की रुंडित नदी है, यमुना नदी के किनारे तक नहीं पहुंच पाती है क्योंकि पानी नहीं है, जली नहीं है। और जब पहले के ज़माने में, आज के 30-40-50 साल पहले जब यह नदी चलती थी, तो जब जल की मात्रा ज़्यादा होती थी तो ये यमुना में मिल जाती थी आगरा के फतेहाबाद में। अब जब जल की मात्रा ही नहीं है तो ये यमुना में मिलना इसका पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसे आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी भी कह सकते हैं प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखा जाए तो, और बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदी भी कह सकते हैं। यह मत समझना कि मैंने बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की जो नदियाँ हैं उसमें इसको करवाया है तो ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदी होगी। किसी ज़माने में ये बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की नदी हुआ करती थी, लेकिन आज की बात करें तो ये एक तरह से आंतरिक अपवाह तंत्र की नदी है जो यमुना से नहीं मिलती है, और यमुना से नहीं मिलने के कारण ही इसे रुंडित नदी कहा गया। आइए देखते हैं, एक नदी और बची है, वह है गंभीर नदी। देखिए बच्चों, अब जो दो नदियां बची है वह है गंभीर नदी और पार्वती नदी। इन दोनों से ही कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, कन्फ्यूजन होना लाजमी है इन दोनों से ही। क्यों है लाजमी, मैं बताता हूँ। देखिए, ये जो नदी है बंगाल की खाड़ी में जो जारी है, जो केवल करौली से निकलकर भरतपुर होती, मैनपुरी यूपी में यमुना में मिल जाती है, जो गंभीर नदी है जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं, इसी के नाम पर एक नदी और है, गंभीरी नदी। देखिए, इन दोनों नदियों में फ़र्क है।
गंभीरी जो नदी है वह है चित्तौड़गढ़ में, गंभीरी और बेड़च के संगम पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग बना हुआ है, और यह जो नदी है इसका नाम है गंभीर नदी। यह श्री महावीर जी करौली से निकलती है और मैनपुरी यूपी में यमुना में मिल जाती है। और जो दूसरी नदी पढ़ने वाले हैं वह है पार्वती नदी। देखिए बच्चों, पार्वती भी दो है। अगर अपन ने पार्वती नदी, आपको जैसा पता होगा चंबल नदी का जो मैंने क्लास ली थी, उस चंबल नदी में, चंबल की एक सहायक नदी है जो बारा में बहती है, जो बारा में ही राजस्थान में एंटर करती है, उस नदी को कहते हैं पार्वती। चाहे उसको आप पार्वती फर्स्ट कह सकते हैं और इसको अपन पार्वती सेकंड कह सकते हैं। तो ये दोनों नदियाँ भी अलग अलग है। ये जो पार्वती नदी है धौलपुर में बहती है, और ये जो बारा, कोटा और सवाई माधोपुर में, चंबल में मिल जाती है यह नदी। तो इन दोनों में, नदियों में जो कन्फ्यूज़न पैदा होता है उससे बचिए। आइए देखते हैं गंभीर नदी के बारे में। देखिए बच्चों, गंभीर नदी के बारे में, राजस्थान के उत्तर पूर्व में एक जिला है करौली। राजस्थान के उत्तर पूर्व में एक जिला है करौली। करौली में एक जगह है जिसका नाम है श्री महावीर जी। श्री महावीर जी के पास ही नादोती की पहाड़ियों से, नादोती की पहाड़ियों से यह नदी निकलती है। निकलने के बाद में देखिए बच्चों, करौली से निकलती है, निकलने के बाद में करौली में ही इस नदी पर एक बांध बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक बांध बना हुआ है, और उस बांध का जो नाम है वह है पांचना बांध। इस नदी पे जो बांध बना हुआ है वह पांचना बांध है। अब पांचना बांध जो बना हुआ है, अगर पर्टिकुलर एक स्थान का नाम पूछे तो वह है गुडला गांव। गुडला गांव करौली। इस पांचना बांध की दो प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें से पहली है कि यह राजस्थान का मिट्टी से बना हुआ, सबसे बड़ा बांध। यह राजस्थान में मिट्टी से बना हुआ सबसे बड़ा बांध है, और दूसरा है अमेरिका के आर्थिक सहयोग से इसको बनाया गया था। अमेरिका के आर्थिक सहयोग से इसको बनाया गया था। पांचना बांध से निकलने के बाद में यह प्रवेश करती है भरतपुर के बयाना से निकलने के बाद में एक बहुत ही प्रसिद्ध मैदान है इस पे, जहाँ बाबर और राणा सांगा का युद्ध हुआ, और वह है खानवा। खानवा से निकलने के बाद में यह यूपी उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जो जिला है उसमें यह यमुना में, ये जो नदी है वह है यमुना में मिल जाती है।
देखिए बच्चों, नादोती की पहाड़ी, श्री महावीर जी, करौली से निकलती है। करौली में ही इस पर एक बांध बना हुआ है, पाचना बांध। पाचना बांध जो बना हुआ है वह है गुड़ला गांव करौली में। पाचना बांध की जो विशेषता है वो पहली ये है कि मिट्टी से बना हुआ राजस्थान का सबसे बड़ा बांध है, और दूसरा ये अमेरिका के आर्थिक सहयोग से बनाया गया। उसके बाद निकलने के बाद में ये भरतपुर में प्रवेश करती है बयाना नामक स्थान से, और भरतपुर में प्रवेश करने के बाद में आगे की ओर बढ़ती हुई ये जो खानवा के मैदान से गुजरती है, खानवा का मैदान वही है, खानवा का युद्ध आपको याद होगा, राणा सांगा और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ था खानवा का 1527 में, उस युद्ध के मैदान से निकलती हुई मैनपुरी यूपी में, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी ज़िले में यमुना में मिल जाती है। अब देखिए इस नदी के बारे में एक ख़ास बात और है कि यह नदी कुछ इस प्रकार से राजस्थान की सीमा को पार करती है। देखिए यह पहले भरतपुर में बहती है, ये मान लीजिए यह यूपी है और यह है राजस्थान। यह भरतपुर में बहने के बाद में कुछ दूरी यह यूपी में बहती है और फिर वापस से भरतपुर में बहती है। तो यह अपने अंतिम समय पर जहाँ यह विलीन होने वाली यमुना में, उस वक्त राजस्थान में दो बार बहती है, जैसे ये भरतपुर में पहली बार फिर भरतपुर और उसके बाद में यमुना में मिलती है। लंबाई की बात करें तो 230 किलोमीटर लंबी है, और जो बाणगंगा नदी थी वह 380 किलोमीटर लंबी, मैं बताना भूल गया। ये जो लंबाई है वह है बाणगंगा की, और यह जो लंबाई है वह है गंभीर नदी की। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो तीन सहायक नदियां हैं, पाचना, सेसा और खैर। ये तीन सहायक नदियां हैं। बाणगंगा की जो सहायक नदी है वह मैं बताना भूल गया था, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा बाणगंगा की सहायक नदियां। उसके बाद में एक नदी और बची है जो धौलपुर में बहती है, उसको देखेंगे। और अपनी बंगाल की खाड़ी की या बंगाल की खाड़ी अपतंत्र की जो नदियां हैं वह पूरी हो जाएगी। दोबारा देखते हैं लंबाई को, जो बाणगंगा नदी है बाणगंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनमें से है गुमटी नाला, दूसरी जो है वह है सूरा या सूरी नदी, तीसरी है वह है पलासन। यह सब बाणगंगा की सहायक नदियां हैं। बाणगंगा जो है 380 किलोमीटर लंबी है, जो बाणगंगा है वह 380 किलोमीटर लंबी है। वहीं गंभीर नदी की बात करी जाए तो वह 230 किलोमीटर लंबी है। उसकी जो तीन सहायक नदियां हैं वह है पाचना, सेसा और खैर। एक नदी और बची है, उसमें इतना कुछ बताने को खास है नहीं, ये बता देता हूँ। जो पार्वती नदी है, पार्वती सेकंड अपन ने नाम रखा है, पार्वती सेकंड, वह धौलपुर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बदरिया गांव। धौलपुर में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बदरिया गांव। बदरिया गांव से बहने के बाद में उत्तर प्रदेश में यूपी में यमुना में मिल जाती है। यूपी में ये यमुना में मिल जाती है।
तो बच्चों ये थी अपनी बंगाल की खाड़ी अपवाहतंत्र की नदियाँ, जिसमें से बाणगंगा को अपन ने बंगाल की खाड़ी, हमने बंगाल की खाड़ी अपवाहतंत्र की नदियों में शामिल करके पढ़ा है और ये क्लियर भी किया है कि बाणगंगा को क्यों बंगाल की खाड़ी अपवाह नदी तंत्र में शामिल कराया गया या फिर क्यों आंतरिक अपवाहतंत्र की नदी में शामिल की है। बाणगंगा में जब ज़्यादा जल होता है तो ये यमुना तक चल जाती है, यमुना तक बहती है, और जब जल की मात्रा कम होती है तो ये एक आंतरिक प्रवाह की नदी बन जाती है। तो अपने रिवर्स ऑफ राजस्थान के शुरुआत के इन तीन वीडियो में हमने चंबल और चंबल की सहायक नदियाँ, उनमें से एक जो मुख्य सहायक नदी है वह बनास है, बनास की सहायक नदियाँ और जो चंबल की मुख्य सहायक नदियाँ हैं जैसे बनास, कालीसिंध, पार्वती, परवन, इस कोठारी, इन सब के बारे में पढ़ा। तो इन तीन वीडियो में मेरे हिसाब से बंगाल की खाड़ी अपवाह तंत्र की सभी नदियाँ कंप्लीट हो गई है। अब आगे जो अगला जो फोर्थ जो लेक्चर होगा रिवर्स ऑफ राजस्थान का, वह होगा अरब सागर की अपवाह तंत्र की नदियाँ, जिसमें हम पढ़ेंगे लूणी नदी के बारे में। एक बहुत ही बड़ी नदी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है वह, और उसको पढ़ने में आपको मज़ा भी आएगा। उसकी सहायक नदियों के नाम भी अनोखे हैं। सबसे पहले अपन बंगाल की खाड़ी अपवाहतंत्र की नदी पढ़ेंगे, उसके बाद में अरब सागर की अपवाहतंत्र की नदियाँ, और उसके बाद में आंतरिक अपवाहतंत्र की नदियाँ। तो धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप देखते रहिए मेरा चैनल एडवांस जीएस एकेडमी, और आपके कमेंट्स की मुझे आवश्यकता होगी, आप बताएँ और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।